हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर आई नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरी भिंडी। जो बच्चे भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से बना के देंगे तो वो हर रोज़ भिंडी खाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप ही कुरकुरी भिंडी कैसे बनी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को देखने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिंडी के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपको वो बता देती हूँ। बेसिक सी है, हमने भिंडी ली है, इसमें बेसन लगेगा और थोड़ा सा मसाले लगेंगे और हमें कोई चीज नहीं लेनी क्योंकि हम कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं। मेन है इसको काटना कैसे है, मैं आपको वो बताती हूँ। भिंडी को पहले हमें बैक साइड से इस तरह से काटना है और फ्रंट साइड से इसके दो पीसेस करने हैं और ये जो अंदर से बीज का पार्ट है वो निकाल लेना है। इस तरीके से इसके बीज वाला पार्ट निकालना है। बीज वाला पार्ट जरूर निकालना, नहीं तो आपकी भिंडी कुरकुरी नहीं होगी। और इस तरह से इसे बिल्कुल खाली कर देना, इसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए। और फिर आप इसे जितना पतला चाहे, मोटा काटना चाहे, जैसे मर्जी आप काटना चाहे, लेकिन मेन होता है इसके बीज को हमें निकालना है। और इसी तरीके से हमें सारी भिंडी को काट लेना। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर एक भी बीज नहीं रखा है। आप ऐसे ही जिस तरह से मैं बता रही हूँ अगर उस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी भिंडी बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं सारी भिंडी को अच्छे से काट लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख सकते हैं भिंडी को मैंने बारीक पतला काट लिया है, लंबे साइज में। आप चाहे जिस मर्जी साइज में काटेंगे, बट जो कुरकुरी का कुरकुरी भिंडी बनाते हैं तो उसका साइज यही लंबा होता है। और आप देख सकते हैं किसी में भी बीज नहीं है। इसी तरीके से हमें सारे बीज निकालने, बीज बिल्कुल भी नहीं रखने, नहीं तो आपकी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। मैं आधा कटोरी के आसपास डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में ऐड करूँगी। बेसन के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सब्जी मसाला। सब्जी मसाला मैं किचन किंग का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास दूसरा ब्रांड का है तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सूखा ही से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं या फिर चम्मच से, इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। मैं हाथ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये हाथों से ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। इस तरीके से हमें करना है और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कोट कर लिया ऐसे बेसन में। पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब धीरे धीरे करेंगे तो ऑलरेडी जो हमारी भिंडी है वो मॉइस्चर छोड़ेगी और ये बेसन को सोख लेगी। और एक साइड मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई में तेल डाल के, वो तेल गर्म हो रहा है और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी बेसन अच्छे से भर गया है। तो इसी तरीके से हमें हल्के हाथों से इसमें धीरे धीरे करके बेसन कोट करना है। और ये कोट हो चुका है तो अब मैं इसे कढ़ाई में डालूंगी। देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तो हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो तेल की क्वांटिटी हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखनी होती है और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सारी चिपक जाएगी। मैं इस तरीके से कुरकुरी भिंडी बनाती हूँ, आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कॉमेंट करके बताएं। और गैस की आँच को हमें धीमे रखना है, बहुत तेज आँच पर हमें नहीं सेकना है, नहीं तो सारी भिंडी जल जाएगी। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमारी भिंडी को मैंने भून लिया है। गैस की फ्लेम को हमें धीमे रखना है, धीमी आंच पे आप जितना बेसन भूनेंगे उतना ही क्रिस्पी बनता है। तो इसी तरीके से हमें सारी भिंडी को रेडी करना है। तो चलिए पहले हम रेडी करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुरकुरी भिंडी मेरी रेडी हो चुकी है। तो इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर से मिलाऊंगी इसमें चाट मसाला। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार ट्राई करना। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो काफ़ी इजी तरीके से हमारी कुरकुरी भिंडी रेडी हो चुकी है। जो बच्चे भिंडी से भागते हैं, आप इस तरीके से बना के देंगे तो बहुत ही दिल से खाएंगे और उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि भिंडी का सीज़न है अभी, भिंडी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें क्योंकि आप वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा 1% है जो सब्सक्राइब होता है और 99% है जो अनसब्सक्राइब होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से और कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से हमारी कुरकुरी भिंडी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।